इसराइल और हमास के बीच जारी खूनी लड़ाई खत्म होने की बजाय और भीषण होती जा रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद इसराइल अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है। इसराइली सेना के हमलों से गाजा में बर्बादी के निशान हर तरफ देखे जा सकते हैं। युद्ध विराम की कोशिशों के नाकाम होने के बाद से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भयंकर हमलावर हैं। जंग के बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे सबका दिल दहल गया है। गाजा शहर में एक हिंसक घटना में 70 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के एक अधिकारी ने इसराइल पर योजनाबद्ध नरसंहार करने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। हमास सरकार की मीडिया ने बताया कि ताल अल हवा क्षेत्र में 70 शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही करीब 50 लोग लापता हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि लोग सफेद झंडे लेकर इजरायली सेना को चेता रहे थे कि वे लड़ाके नहीं हैं, आम नागरिक हैं। लेकिन इजरायली सेना ने इन विस्थापित लोगों को बेरहमी से मार डाला। इजरायली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी को खाली करने कहा है। इजरायली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने युद्ध क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और मध्य में नए सिरे से हमले शुरू किए हैं जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। इजरायली सेना ने शहर में पर्चे गिराए जिनमें लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा और कहा गया कि गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। सात अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से अब तक इजरायली हमले में 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि तकरीबन 77,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारे गए ज्यादातर लोगों में शरणार्थी और आम लोग शामिल हैं। गाजा की एक चौथाई आबादी खाने पीने और कुपोषण की गंभीर समस्या से गुजर रही है।